أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم My name is Rana محمد ساقب جاوید from CC Secondary School Kotadu today the class 8th class lecture going about the subject of science unit number 2 बेटा जी सबसे पहले यूनिट नंबर 2 को स्टार्ट करने से पहले उस यूनिट का एक थीम एक उस यूनिट में जो आपको समझाया जाएगा पढ़ाया जाएगा आज हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इस यूनिट का जो नेम है सेल डिवीजन के हवाले से है सेल डिवीजन सेल का तकसीम होना बेटा जी हम सबके सब जानते हैं कि जैसे या जब एक बच्चा एक ऑफ स्प्रिंग या कोई भी एक प्लांट जब वो छोटा सा होता है आहिस्ता आहिस्ता वो बड़ा होता चला जाता है और इंसान हैं या लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं जितने भी ऑर्गेनिज़म्स हैं जो भी जानदार हैं वो जानदार जो भी हैं उनकी जो बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर है वो सेल है वो बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर सेल होती है उनकी तो सेल जो है वो उसकी बुनियाद है सेल सेल जो है उसकी बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सेल किसी भी ऑर्गेनिजम्स की जो सबसे जो एक बेसिक स्ट्रक्चर है बेसिक यूनिट है वो एक सेल है अब यहाँ पर आगे हम बात ये करें कि एक ऑर्गेनिज्म जो कि एक न्यू इंडिविजुअल में प्रोड्यूस होती हैं या एक ऑर्गेनिज्म जो एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनाते हैं तो बेटा जी ये देखें कि अगर हम यहाँ पर बात ये करें कि एक इंडिविजुअल या एक ऑफ स्प्रिंग वो कब बनेगा एक ऑफ स्प्रिंग कब बनेगा ऑफ स्प्रिंग तब बनेगा अगर उसमें तमाम के तमाम ऑर्गन सिस्टम मौजूद हों और ऑर्गन सिस्टम आप समझते हैं ऑर्गन सिस्टम में आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो मेनली आप पढ़ चुके हैं डाइजेस्टिव सिस्टम रिस्पायरेटरी सिस्टम और पिछले यूनिट में आप दो सिस्टम पढ़ चुके हैं एक उसमें नर्वस सिस्टम और एक उसमें एस्क्रेटरी सिस्टम पढ़ चुके हैं ये सब के सब हमारे पास क्या है ऑर्गन सिस्टम है अब हम बात ये कर रहे हैं कि एक ऑर्गेनिज्म जब बनता है तो जाहिर सी बात है उसके अंदर ऑर्गन सिस्टम मुकम्मल हों तो और ऑर्गन सिस्टम कब बनेगा ऑर्गन सिस्टम तब बनता है जब उसके अंदर तमाम के तमाम ऑर्गन्स बने ऑर्गन सिस्टम तब बनेगा जब ऑर्गन्स होंगे ऑर्गन्स मीन फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन्स हैं वो आप जानते हैं जैसे कि माउथ टीथ टंग एसोफेगस स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन रेक्टम एनस ऐसे ही रिस्पायरेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स हैं नोज थ्रोट उसके बाद विंड पाइप ट्रेकिया ब्रोंकी ब्रोंकियोल्स एल्वोलाई नर्वस सिस्टम के हैं एस्क्रेटरी सिस्टम के हैं तो जब ऑर्गन्स बनेंगे तो ऑर्गन सिस्टम बनेगा जब ऑर्गन सिस्टम बनेगा तो ऑर्गेनिजम्स बनेंगे अब ऑर्गन्स कब बनेंगे ऑर्गन्स बेटा जी तब बनते हैं ऑर्गन्स बनते हैं टिश्यू से और टिश्यू कब बनेगा टिश्यू बनते हैं सेल से टिश्यू कब बनेंगे सेल से बनेंगे और सेल कब बनेगा अब यहां पर हम ये बात करें कि सेल की जो रिप्रोडक्शन हो रही है यानी कि सेल जो प्रोड्यूस हो रहा है सेल कैसे बनेगा सेल तब बनेगा कि सेल के अंदर एक द सेंट्रल पार्ट ऑफ अ सेल इज कॉल्ड न्यूक्लियस एक सेल तब बनता है जब उसमें न्यूक्लियस बनेगा क्योंकि न्यूक्लियस कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ अ सेल और न्यूक्लियस कब बनेगा जब न्यूक्लियस के अंदर मौजूद क्रोमोसोम्स ये बनेंगे क्रोमोसोम्स
क्रोमोसोम्स जब बनेंगे, क्रोमोसोम्स जब बनेंगे तो उससे न्यूक्लियस बनेगा। एक एग्जांपल मैं देता हूँ आपको कि फॉर एग्जांपल ह्यूमन, इंसानों के न्यूक्लियस में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर 46 क्रोमोसोम्स एक न्यूक्लियस में आएगा तो वो एक सेल का बनेगा। अगर क्रोमोसोम्स जब ज़्यादा होंगे तो उसे अलग न्यूक्लियस बनेगा। अच्छा, अब अगली बात कि क्रोमोसोम्स कब बनेंगे, जब ये लास्ट स्टेज है, क्रोमोसोम के पास अपनी एबिलिटी है टू डिवाइड, टू रेप्लिकेट इटसेल्फ। क्रोमोसोम अपने आप को खुद रेप्लिकेट करते हैं, यानी कि क्रोमोसोम्स अपने आप को रेप्लिकेट करेंगे। वो डबल जब होंगे तो उसके लिए अलग न्यूक्लियस बनेगा, जब न्यूक्लियस बनेगा तो सेल बनेगा, जब सेल बनेगा तो टिश्यू बनेंगे, टिश्यू के बनने से ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन्स के बनने से ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, और ऑर्गन सिस्टम के बनने से वो एक इंडिविजुअल या ऑफस्प्रिंग बनता है। तो बेटा जी, हमारा ये क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस यूनिट नंबर 1, इसका ये फर्स्ट लेक्चर आज हम डिलीवर कर रहे हैं 14/4/2020 को। इसमें जैसे आपको पहले वर्कआउट का जैसे आपकी तरतीब है कि आपने होमवर्क करना होता है, याद करना होता है, मार्जिन लाइंस जैसे आपने होमवर्क पे ड्रा करनी होती हैं, पूरा बाकायदगी से लिखना होता है, वो आप उसको वैसे ही बाकायदगी से करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो यहाँ पर आज जो हम डिलीवर कर रहे हैं, वो पहला सवाल ये है कि डिफाइन रिप्रोडक्शन, के रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं। आंसर ये आपकी मार्जिन लाइन होगी। सबसे पहले आपने यहां पर नोटबुक पर रिप्रोडक्शन की हेडिंग देकर यहां से स्टार्ट करना है। रिप्रोडक्शन की यहां पर हम दो डेफिनेशन करेंगे रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिजम्स, एक बात यहां पर याद रखना कि नॉन लिविंग थिंग्स की रिप्रोडक्शन नहीं होती, रिप्रोडक्शन सिर्फ लिविंग थिंग्स की होती है। लिविंग थिंग्स में प्लांट्स भी हैं और एनिमल्स भी हैं, एनिमल्स भी रिप्रोडक्शन का प्रोसेस में होते हैं और प्लांट्स भी होते हैं, तो उसको हम ऑर्गेनिजम्स कहेंगे जिसके अंदर प्लांट्स भी हैं एनिमल्स भी हैं। तो ऑर्गेनिजम्स जानदार प्रोड्यूस पैदा करते हैं, मोर ऑर्गेनिजम्स मजीद जानदार, आगे कंडीशन आएगी, लाइक देमसेल्व्स अपने ही जैसे। इंसान होंगे तो इंसान पैदा करेंगे, अगर एक गुलाब का फूल है, एक गुलाब का पौधा है, तो उससे आगे जो उसके ऑफस्प्रिंग पैदा होंगे वो गुलाब के ही होंगे, चमेली के फूल से चमेली ही पैदा होंगी। तो यहां पे हम पहली डेफिनेशन राइट करने लगे हैं, ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस मोर ऑर्गेनिजम्स लाइक देमसेल्व्स इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। उसको हमने क्या नाम देना है, रिप्रोडक्शन का नाम देना है। ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस मोर ऑर्गेनिजम्स, जानदार पैदा करते हैं मजीद जानदार, लाइक देमसेल्व्स। ये जो सेंटेंस, ये जो वर्ड है आपका लाइक देमसेल्व, ये आपने लाजमी मेंशन करना है। सिर्फ ये नहीं कि ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस मोर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन, लाइक देमसेल्व कंडीशन है इस सेंटेंस की। ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस मोर ऑर्गेनिजम्स लाइक देमसेल्व्स इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। और इसके साथ ही इसकी एक दूसरी डेफिनेशन हम करते हैं, ये पहली डेफिनेशन है, दूसरी डेफिनेशन में आपको इससे रिलेट करूंगा। ये जो यहां पर जो अभी मैंने आपको बात समझाई है कि क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस सेल, इससे रिलेट करके मैं आपको रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन करा देता हूं। पार्ट ऑफ अ सेल, सेल का हिस्सा, कौन सा हिस्सा, पार्ट ऑफ सेल सच एज क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स का वर्ड यहां पे क्यों यूज किया, यहां पर ऑर्गन टिश्यू सेल न्यूक्लियस का नाम क्यों नहीं लिया, क्योंकि क्रोमोसोम सेल का वो पार्ट बनता है
जहाँ से वो उसके पास अपनी करेक्टरिस्टिक्स बनती है कि वो खुद रेप्लिकेट होता है, खुद अपनी डुप्लीकेशन तैयार करता है। तो हम यहाँ से उसकी बुनियाद से शुरू करेंगे कि पार्ट ऑफ अ सेल, एक सेल का हिस्सा, सच एज क्रोमोसोम्स, जैसे कि क्रोमोसोम्स, पार्ट ऑफ अ सेल सच एज क्रोमोसोम्स प्रोड्यूस मोर क्रोमोसोम्स, प्रोड्यूस मोर क्रोमोसोम्स, सेल का वो हिस्सा जैसे कि क्रोमोसोम्स हैं, प्रोड्यूस मोर क्रोमोसोम्स, वो मजीद क्रोमोसोम्स पैदा करते हैं, फिर सेल देन प्रोड्यूस मोर सेल्स। जब क्रोमोसोम की रेप्लिकेशन होने से न्यूक्लियस डुप्लीकेट बनेगा और सेल की जब बढ़ोतरी होगी, यानी कि क्रोमोसोम्स पार्ट ऑफ अ सेल सच एज क्रोमोसोम्स प्रोड्यूस मोर क्रोमोसोम्स, सेल का हिस्सा जैसे कि क्रोमोसोम्स हैं, वो मजीद क्रोमोसोम्स पैदा कर रहे हैं, तो उसके नतीजे में सेल भी प्रोड्यूस मोर सेल्स, तो सेल भी मजीद सेल पैदा करेगा, न्यू सेल्स, और फिर द इंडिविजुअल प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग, या जिसे हम चिल्ड्रन कह दें, ये जो टर्म यहां पे यूज करते हैं ऑफ स्प्रिंग की, ऑफ स्प्रिंग मीन्स जो प्रोड्यूस होने के बाद जो बनता है, अगर इंसान है तो उनके जो चिल्ड्रन हैं उनको हम ऑफ स्प्रिंग, अगर एक प्लांट है तो उससे, चाहे आप कटिंग से, ग्राफ्टिंग से, लेयरिंग से, या उनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, फूल से, बीज से, जो एक नया प्लांट बनता है वो एक ऑफ स्प्रिंग है उसका। तो द इंडिविजुअल प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग या चिल्ड्रन लाइक देमसेल्व्स, अपने ही जैसे करते हैं, इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन, उसको हम क्या कहेंगे, रिप्रोडक्शन कहेंगे। और यहाँ पर बेटा जी आपने उसको वीडियो को थोड़ा सा क्लोज करके, एक दफ़ा स्टॉप करके, ये आपने जो तरतीब मैंने लिखी है, आप इसी तरतीब को अपने नोटबुक्स पर भी मेंशन करेंगे कि इंडिविजुअल ऑफ स्प्रिंग बहुत ऑर्गन सिस्टम से बनता है, ऑर्गन सिस्टम ऑर्गन से, वो टिश्यू से, टिश्यू सेल से, सेल के अंदर न्यूक्लियस और उसके बाद क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम से डुप्लीकेशन होती है इसकी। इसके बाद हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसमें करेंगे, जो आपके इसके यूनिट में जो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है, डिफाइन सेल डिवीजन, क्वेश्चन नंबर आपका ये 2 होगा, क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन सेल डिवीजन, सेल डिवीजन की तारीफ करें, क्वेश्चन मार्क या आपकी मार्जिन लाइन जैसे होती है आंसर। सबसे पहले आपने यहाँ पर हेडिंग देनी है सेल डिवीजन, के सेल डिवीजन किसे कहते हैं, सेल डिवीजन एक मुख्तसर सी डेफिनेशन है, अ प्रोसेस, एक अमल, बाय विच, जिसके नतीजे में, अ सेल डिवाइड्स, एक सेल डिवाइड होकर दो सेल में तकसीम हो जाए, वो जो प्रोसेस होगा ना, उस प्रोसेस को सेल डिवीजन कहते हैं। अब ये बाकायदा तौर पर एक सेल डिवाइड होकर न्यू सेल बनता है, बाकायदा तौर पर एक प्रोसेस से गुजरता है, तो इसकी डेफिनेशन हम यहाँ पर राइट करते हैं कि सेल डिवीजन इज़ अ प्रोसेस। इसकी जो तफसील हैं कि कौन कौन से प्रोसेस, आगे वो डिस्कस होते चले जाएंगे बेटा जी। हाँ, डेफिनेशन राइट करें, सेल डिवीजन इज़ अ प्रोसेस, सेल डिवीजन एक ऐसा प्रोसेस है बाय विच, जिसके ज़रिए अ सेल डिवाइड्स, एक सेल तकसीम होता है इनटू टू डॉटर सेल्स, इनटू टू डॉटर सेल्स, दो डॉटर सेल्स में, यानी कि जब एक चीज़ तकसीम होती है तो वो तकसीम होने के बाद या तो वो दो हो जाती हैं, या तीन हो जाती हैं, या चार हो जाती हैं। तो सेल डिवीजन के प्रोसेस में एक सेल जब तकसीम होता है तो उसमें या तो वो सेल तकसीम होकर दो बनते हैं, या वो सेल तकसीम होकर चार बनते हैं। एक माइटोसिस का प्रोसेस आएगा, एक मियोसिस का प्रोसेस आएगा। माइटोसिस में दो बनते हैं
और माइटोमियोसिस में चार बनते हैं। ये आगे तफसील से डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल आपकी डेफिनेशन है कि सेल डिवीजन इज अ प्रोसेस, सेल डिवीजन एक ऐसा प्रोसेस है बाय विच जिसके नतीजे में अ सेल डिवाइड्स, एक सेल तकसीम होता है इंटू टू डॉटर सेल्स, दो डॉटर सेल में। यहाँ पर एक डायग्राम छोटी सी मैं बना देता हूँ। ये फॉर एग्जाम्पल एक सेल है, फॉर एग्जाम्पल ये एक सेल है, ये सेल डिवाइड हुआ और इसने कितने सेल बना दिए, दो सेल बना दिए, ऐसे ये दो सेल बन गए। तो वो सेल खुद भी मौजूद रहेगा, ये नहीं है कि वो अपने आप को ब्रेक करके दो नहीं होते। एक ऑर्गेनिज्म जब ऑफस्प्रिंग को पैदा करते हैं तो वो खुद से डिवाइड होके खुद ख़त्म नहीं होते, बल्कि वो आगे अगले सेल्स पैदा करते हैं, अगला एक न्यू इंडिविजुअल पैदा करते हैं और अपनी एग्जिस्टेंस भी रखते हैं। तो अब ये सेल एक सेल है जो रिप्रोड्यूस कर रहा है दो सेल को। जो सेल पैदा करता है उसको हम बायो में उसको हम पेरेंट सेल कहते हैं, और जो पेरेंट सेल से जो डिवाइड होकर जो नए सेल बन जाते हैं उनको हम कहते हैं डॉटर सेल। जो डिवाइड होने के बाद न्यू सेल्स बनते हैं उनको हम डॉटर सेल कहते हैं। यही डेफिनेशन हम राइट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज पेरेंट सेल, पेरेंट सेल किसे कहते हैं? आंसर, पेरेंट सेल की आपने हेडिंग देकर उसकी डेफिनेशन राइट करनी है। दी सेल, वो सेल विच डिवाइड्स, जो तकसीम होता है, दी सेल विच डिवाइड्स, जो तकसीम होता है, इज कॉल्ड पेरेंट सेल। बस ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है कि वो सेल जो तकसीम हो रहा है, ये एक सेल तकसीम होकर दो बना रहे हैं, तो जो तकसीम होने वाला सेल है वो पेरेंट सेल है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर डॉटर सेल्स, डॉटर सेल्स किसे कहते हैं? आंसर, सबसे पहले आपकी हेडिंग, एक हेडिंग देंगे डॉटर सेल्स की। दी सेल्स, वो सेल विच आर प्रोड्यूस्ड, जो पैदा होते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के प्रोसेस में, सेल डिवीजन के प्रोसेस के नतीजे में जो सेल पैदा होते हैं। दी सेल्स विच आर प्रोड्यूस्ड, वो सेल जो पैदा होते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के नतीजे में, आर कॉल्ड, उनको हम क्या कहेंगे, डॉटर सेल्स कहेंगे। उनको हम क्या कहेंगे, डॉटर सेल्स कहते हैं। जो रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में, सेल डिवीजन के प्रोसेस में जो नए सेल बनते हैं उनको हम डॉटर सेल कहते हैं। तो बेटा जी, ये चार क्वेश्चंस आपके बनते हैं। एक रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन है, उसमें दो डेफिनेशन राइट की हैं और बाकी तीन डेफिनेशन ये हैं। आपने इन डेफिनेशंस का बाकायदा तौर पर होमवर्क भी करना है और डेली का वर्क आपने डेली उसको याद भी करना है। इनको आप वीडियो को कहीं पे भी स्टॉप करके आप इसको कॉपी डाउन कर लीजिएगा। विश यू अ बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू बेटा जी।